हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई एडुशाला में। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूं और ये जो अपडेट है आपका गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। इसरो का नाम आप सभी ने सुना होगा, इसी इसरो की तरफ से आपको वैकेंसी निकल के आई है सामने। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपका इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स की तरफ से आपका नई वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें आईटीआई छात्रों को मौका दिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एडवर्टीजमेंट आपका 26 मार्च 2023 को आपका अपडेट हुआ था। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका ये एडवर्टीजमेंट अवेलेबल है। तो जो वैकेंसी आप देख पा रहे होंगे, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज है। जैसे फर्स्ट है आपका टेक्निकल असिस्टेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से। दूसरा आपका टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसके लिए भी आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इन चार ट्रेड वाले जो स्टूडेंट है वो इसमें एलिजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टेक्निकल असिस्टेंट, इसके लिए आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इसकी जो पोस्ट है आपका फर्स्ट में मैकेनिकल में 15 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 4 है और इलेक्ट्रिकल में आपको एक पोस्ट है। ये जितने आपके जो पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट हैं उनकी ये वैकेंसी है, ये सभी डिटेल है। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस, इसमें आपका कंप्यूटर साइंस से आपका पॉलिटेक्निक होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल, इसमें आपका सिविल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक होना चाहिए। इसके आपका सिविल के लिए 3 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस के लिए 1 वैकेंसी है। उसके बाद जो आईटीआई स्टूडेंट है उनकी वैकेंसी है टेक्नीशियन बी। जो भी स्टूडेंट है आईटीआई के, उनको जो भी पोस्ट अगर वैकेंसी की निकलती है तो उनको टेक्नीशियन पोस्ट के नाम से ही जाना जाता है। हर एक ट्रेड की अलग अलग निकलती है। तो आपका टेक्नीशियन बी फिटर के लिए आपका टोटल 20 पोस्ट है। इसके लिए आपका क्लास 10th होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको आईटीआई होना चाहिए फिटर से, एनसीवीटी विथ एनटीसी और एनएससी, मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, या आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपका सेकेंड पोस्ट है टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से जो आईटीआई होंगे वो इसमें एलिजिबल है। और उसके साथ साथ अगर आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो वो भी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। 3 इसमें वैकेंसी है। वेल्डर के लिए 3 वैकेंसी है, आईटीआई होना चाहिए आपका वेल्डर ट्रेड से, या तो आप अप्रेंटिस कर चुके हैं तो भी आप एलिजिबल है। उसके बाद इसमें क्लास 10th होना चाहिए। टेक्नीशियन बी आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसके लिए 1 वैकेंसी है, इसके लिए आपका आईटीआई होना चाहिए आरएससी ट्रेड में। उसके बाद आपका इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए इसमें 2 वैकेंसी है, इसके लिए आपका आईटीआई होना चाहिए एनसीवीटी से। प्लम्बर के लिए 1 पोस्ट है, इसमें आपका आईटीआई एनसीवीटी से प्लम्बर में होना चाहिए। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 1 वैकेंसी है, आपका आईटीआई होना चाहिए ड्राफ्टमैन सिविल से। तो ये सारे पोस्ट हो गए। उसके अलावा और भी पोस्ट है जो आपका हैवी व्हीकल ड्राइवर है, ठीक है, इसके लिए टोटल आपके 5 पोस्ट है। लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए 2 पोस्ट है और फायरमैन के लिए 1 पोस्ट है। उसके बाद ये है कि आपका ओनली इंडियन नेशनल एलिजिबल है आपका, उसमें डेट जो मेंशन है आपका, जो भी क्वालिफिकेशन होगा एक्सपीरियंस होगा आपका 24/4/2023 जो लास्ट डेट है, उसके पहले आपके पास सभी डॉक्यूमेंट पास होने, एक्सपीरियंस होने, ये सभी आपको अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। द फॉलोइंग कंडीशन आर एप्लीकेबल विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस प्रिस्क्राइब फॉर द हैवी व्हीकल ड्राइवर, लाइट व्हीकल ड्राइवर, ठीक है। तो ये जो आपको बताया कि ऊपर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आपको 3 पोस्ट जो है उसके लिए अप्लीकेबल होना चाहिए आपको फॉर्म अप्लाई करने के पहले। उसके बाद ये फिजिकल स्टैंडर्ड आपका फायरमैन पोस्ट का, आपका हाइट कितना है, वेट कितना है, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए, ये सभी डिटेल आपको दिया गया है, जो आप अगर फायरमैन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देख सकते हैं। एज आपका 24/4/2023, ठीक है, मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए आपको 24/4/2023 फॉर्म अप्लाई करने के समय। और उसके बाद जो फायरमैन पोस्ट है उसके लिए 25 साल मैक्सिमम है। उसके बाद ऑल अदर जो पोस्ट है आपका 25 ईयर्स आपको 24/4/2023 तक होना चाहिए। उसके बाद एज रिलैक्सेशन आपका एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को आपको 3 साल मिलेगा। ये सभी एज रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आपका सैलरी क्या है, तो जो पोस्ट है आपका पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट है उनको लेवल 7 में रखा गया है। बेसिक आपका 44,900 मिलेगा, मतलब ये बेसिक है। बेसिक के अलावा आपको अदर अलाउंसेज यहाँ पे दिया गया, अदर अलाउंसेज डीएनएस अलाउंसेज, हाउस रेंट अलाउंसेज, जो भी अलाउंसेज गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिलते हैं वो सभी अलाउंसेज आपको मिलेंगे। मतलब ये नॉर्मली आपका बेसिक है, ठीक है। तो अगर पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट को अगर ज्वाइनिंग होती है तो ऑलमोस्ट आपका ये आपको दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग अगर टोटल जोड़ा जाए तो आपको 70-80 के करीब, आपका 70-80,000 के करीब में आपको सैलरी मिलेगी। जो आईटीआई स्टूडेंट है उसका बेसिक आपका 21,700 है, 21,700। उसके पास आपके बाद डीए,
TA और उसके बाद HRA, आपको ये सभी एक्स्ट्रा अलाउंसेज जो भी मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका भी सैलरी लगभग 35-36 के प्रॉक्स बन जाएगा आपका। तो ये सभी आपका सैलरी डिटेल है, इसके अकॉर्डिंग आप सभी को सैलरी प्रोवाइड की जाएगी समय समय पर। और जो भी DA आपका हर 6 महीने पर रिवाइज होता है उसके अकॉर्डिंग आपको इंक्रीमेंट होते रहेगा, हर साल भी आपका इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद है मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपका जो पॉलिटेक्निक और ITI वाले स्टूडेंट है उनका जो सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। और जो हैवी व्हीकल ड्राइवर है उनका रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट में आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। फायरमैन में आपका रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट में आपका फिजिकल टेस्ट आएगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये सभी प्रोसेस है कि आपको कौन कौन सा एग्ज़ाम से आपको गुजरना पड़ेगा। और उसके बाद कि सिलेबस क्या क्या है, तो सिलेबस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है। तो जो आपका टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है और टेक्नीशियन का पोस्ट है, जो ITI वाले स्टूडेंट है, जो पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट है, ठीक है, तो इनका जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग उसके बेस पे आपको टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका प्योरली बेस्ड ऑन द करिकुलम एकेडमिक सिलेबस ऑफ द प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो ITI के स्टूडेंट है उनको ITI से रिलेटेड, जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, जिस ट्रेड से रिलेटेड है उसी ट्रेड से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है तो मैकेनिकल से, अगर ITI में कोई ड्राफ्टमैन सिविल से है फिटर से है तो उसी ट्रेड से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपको रिटन टेस्ट होंगे उसमें 80 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट दिया जाएगा आपको, ठीक है, 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 1/3 नेगेटिव आपको मार्किंग होगा, मतलब कि एक नंबर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एक सही नंबर क्वेश्चन पे और 0.33 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा एक क्वेश्चन अगर आपका रॉन्ग होगा। उसके अलावा जो भी पोस्ट है उनकी पोस्ट का एग्जामिनेशन का प्रोसेस आपका अलग अलग है। तो आपको मिनिमम 32 मार्क्स आपको आने चाहिए, हाई मार्क्स है आपका। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, फर्स्ट प्रोसेस हो गया रिटन टेस्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट में आपको जो भी एकेडमिक का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपका स्किल टेस्ट, जैसे DRDO में जो स्किल टेस्ट होता है आपका उसी के अकॉर्डिंग आपका इसमें भी स्किल टेस्ट होगा। डिप्लोमा वाले के लिए अलग, ITI वाले के लिए अलग, ट्रेड से रिलेटेड आपका स्किल टेस्ट होगा, 100 नंबर का होगा जिसमें आपको 50 नंबर क्वालिफाई करने होंगे, जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 40 नंबर क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको दो स्टेज से गुजरना पड़ेगा, एक रिटन टेस्ट हो गया, उसके बाद एक आपका स्किल टेस्ट होगा। तो ये सभी डिटेल हो गए। आपको फॉर्म अप्लाई कहाँ से करना है, तो फॉर्म आपका 27 मार्च 2023 से अप्लाई हो रहा है और 24 अप्रैल तक शाम के 4 बजे तक आपका अप्लाई होगा। जो भी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसमें सभी डॉक्यूमेंट, फोटो, सिग्नेचर और जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो सभी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पर दिया भी गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, लिस्टिंग दिया हुआ है। तो ये PDF आप डिटेल में देख लें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप ज्वाइन करके, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल देख ले क्या क्या आपको इसमें फिल करने के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई करने हैं। और इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी है आपका टेक्निकल असिस्टेंट के 750 है, उसके अलावा जो भी पोस्ट है उनके 500 आपको फ़ी जमा करना पड़ेगा। ऑनलाइन मोड में आपको सभी फ़ी जमा करना है। तो जो भी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है वो जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई करें क्योंकि फॉर्म आपका अप्लाई हो रहा है और लास्ट डेट आपका 24 है। तो आशा करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट ITI पास, पॉलिटेक्निक पास है उनके लिए अच्छा मौका है इसमें अप्लाई करने के लिए, क्योंकि उसरे की तरफ से बहुत जल्दी वैकेंसी आती नहीं है और वैकेंसी भी आती भी है तो बहुत कम नंबर में आती है। तो जो भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है वो जल्द से जल्द अप्लाई करें। तो आशा करता हूँ कि आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।